अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सऊद शाह और आज की वीडियो में मैं आपको बैरियर टाउन लाहौर की न्यू लॉन्चिंग सेक्टर एच के बारे में बताऊंगा जो रिसेंटली बैरियर टाउन ने लॉन्च किया है लाहौर में। इसका पेमेंट प्लान भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा और इसकी लोकेशन बहुत अच्छी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा बैरियर टाउन लाहौर इसमें एक ऐसी फैसिलिटी दे रहा है जो कि पहले कभी भी किसी प्रोजेक्ट में बैरियर टाउन ने नहीं दी। वो ऐसी कौन सी खास बात है जो कि इस न्यू प्रोजेक्ट सेक्टर एच को दूसरों से खास बनाती है और प्रॉफिटेबल बनाती है, तो दोस्तों वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलें चलते हैं सेक्टर एच देखते हैं। दोस्तों आज से तकरीबन 3 महीने पहले बैरियर टाउन ने लाहौर में सेक्टर जी लॉन्च किया था, लेकिन उसको कोई ख़ास पजीराई नहीं मिल सकी। सेक्टर जी की लॉन्ग टर्म में लोकेशन तो अच्छी होगी, लेकिन वक्ती तौर पे उसकी लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि वो जाती उम्रा पे है, सेक्टर एफ़ के बैक साइड पे है, लेकिन वो अभी सेक्टर एफ से काफ़ी दूर है और जाती उम्रा वाली साइड से वो शुरू हुआ है, लेकिन अभी तक उसका गेट बनना भी शुरू नहीं हुआ। अगर हम सेक्टर एच की लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन सेक्टर जी के मुकाबले में काफ़ी अच्छी है। अगर आप अड्डा प्लॉट से सीधा आएँ तो शरीफ मेडिकल कम्प्लेक्स के साथ ही बिल्कुल बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ 2 है। जैसे आप देख रहे हैं बैरियर टाउन ऑर्चर्ड्स फेज़ 2 के गेट के बिल्कुल सामने डबल रोड पर सड़क की दूसरी तरफ सेक्टर एच को लॉन्च किया गया है। ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है इसकी। अगर आप अड्डा प्लॉट से आएँ तो शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल साथ लेफ्ट साइड पे बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ 2 आएगा और बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ 2 के बिल्कुल सड़क की दूसरी तरफ सेक्टर एच लॉन्च किया गया है। अगर हम बैरियर टाउन सेक्टर एच का इनिशियल मैप देखें जो कि बैरियर टाउन ने इशू किया है, तो इसमें 5 मल्ला और 8 मल्ला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और इसमें 5 मल्ला के कमर्शल प्लॉट्स हैं। शुरू में तकरीबन 300 कनाल के एरिया में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है और जिसमें 2 ब्लॉक्स दिए गए हैं, एक हाली ब्लॉक है और एक गालिब ब्लॉक है। और अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, ये अभी हम आप जैसे देख रहे हैं बिल्कुल बैरियर टाउन लाहौर सेक्टर एच में हम दाखिल हुए हैं। आप जैसे देख रहे हैं कि रोड्स का नेटवर्क बिछाया जा रहा है, ये मेन जिनाह एवेन्यू है और इसके दोनों तरफ बहुत ही तेज़ी से काम शुरू हो रहा है। क्योंकि मैं कुछ दिन पहले आया था तो यहाँ बहुत ही थोड़ा सा काम था, लेकिन अभी काफ़ी काम हो गया है। इसको थोड़ा सा ऊपर से देखते हैं और देखते हैं कि क्या क्या काम अब तक हो चुका है। तो ये जैसे आप सामने देख रहे हैं वो बिल्कुल सामने बैरियर ऑर्चर्ड फेज़ 2 का गेट है और ये इस सामने से हम इंटर हुए हैं और ये हम देखते हैं कि इसमें कितनी डेवलपमेंट हो चुकी है। आप ये देख रहे हैं कि बिल्कुल अगर सामने दूर देखा जाए तो यहाँ से नज़र तो नहीं आ रहा, वहाँ सेक्टर जी है, लेकिन यहाँ से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं कि ये साइड वाली रोड है और इसके अलावा जो इसकी जो मेन रोड है अभी हम उस पर हैं और मैं अभी आपको ये रोड दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपको खुद ही नज़र आ जाएंगी। जो कि मेन बेल्ट होती है उसकी टाइल्स लग रही हैं, उसके नीचे जो बेस बनाई जाती है रोड की वो भी बन चुकी हुई है और आप देख रहे हैं कि इसमें सीवरेज का भी काफ़ी काम हो गया है। ये जो आपको ढोल ढोल नज़र आ रहे हैं बिल्कुल लेफ्ट पे एंड पे, ये सीवरेज का सिस्टम लगाया जा रहा है। इसके अलावा 40 फिट की रोड्स भी यहाँ पर बन रही हैं और यहाँ पे बहुत तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है। तो बैरिया का प्लान है कि नेक्स्ट 6 मंथ, उनका टारगेट है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में इसका पोजीशन दे दिया जाएगा। चूँकि अभी इनिशियली इसमें सिर्फ 2 ब्लॉक शुरू हुए हैं तो इसलिए मशीनरी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप इसमें देखें तो डिफरेंट किस्म की लेबर्स इस वक्त इसमें इन्वॉल्व है, जो कि कोई सड़क बना रहा है, कोई टाइल लगा रहा है, कोई चुनाइयाँ कर रहा है, कोई पानी दे रहा है, कोई रोड्स बना रहा है, कोई सीवरेज का काम कर रहा है। तो हर किस्म का वेंडर यहाँ पे काम कर रहा है ताकि जल्द से जल्द ये डेवलपमेंट का वर्क कंप्लीट किया जाए। तो ये एंड तक हम आ गए हैं जहाँ तक डेवलपमेंट का काम हो रहा है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि ये 300 कनाल की जगह पे ये डेवलपमेंट हो रही है सेक्टर एच बैरियर टाउन की और ये अभी हम बिल्कुल सामने देख रहे हैं एंड से। तो पीछे हम अगर दूर देखें तो हमें कहीं ना कहीं बैरियर टाउन की बिल्डिंग्स या
पानी की टैंकियाँ वगैरह यहाँ से भी नज़र आ रही हैं। तो ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है, आप देख रहे हैं कि दूर दूर तक बैरियर टाउन लाहौर के जो सेक्टर एफ है या ये जो सेक्टर जी है इनके दरमियान कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई भी गांव नहीं है, कोई भी बिल्डिंग्स नहीं है। इससे यही लगता है कि सेक्टर एच जो है बहुत ही बड़ा सेक्टर होगा और ये बहुत तेज़ी से फैलता जाएगा और एट द एंड एज़ पर प्लान इसको सेक्टर एफ और सेक्टर जी से मिला दिया जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी लोकेशन है। अगर सेक्टर एच बैरियर टाउन लाहौर की कैटेगरीज को हम देखें तो इसमें 5 मरला और 8 मरला के रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं और 5 मरला के कमर्शियल प्लॉट्स हैं और इसमें आपको जो भी कैटेगरी के जो भी प्राइस है वो हाफ आपको बुकिंग के वक्त देनी पड़ेगी और रिमेनिंग 50% आपको आफ्टर 6 मंथ्स देनी पड़ेगी। अगर हम 5 मरला की टोटल प्राइस देखें तो 55 लाख है जिसमें से डाउन पेमेंट आपको 27,50,000 देनी पड़ेगी और रिमेनिंग 50% 27,50,000 आपको आफ्टर 6 मंथ्स देने पड़ेंगे। 8 मरला की अगर हम प्राइस देखें सेक्टर एच की तो 75 लाख टोटल प्राइस है जिसमें से 30,50,000 आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी और 27,50,000 जो कि 50% बनती है वो आपको आफ्टर 6 मंथ्स देनी पड़ेगी। इस तरह 5 मरला कमर्शियल की टोटल प्राइस 2 करोड़ है जिसमें से 50% आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ेगी जो कि 1 करोड़ बनती है और जो रिमेनिंग 1 करोड़ है वो आपको आफ्टर 6 मंथ जो कि 50% बनते हैं आपको देने पड़ेंगे। ये एक बहुत अच्छी डील है और इसमें एक और ख़ास बात यह है कि ये ओपन फाइल्स हैं। जैसे आपको पता है कि बैरियर टाउन में कहीं भी आप किसी किस्म की भी आप ट्रांसफ़र करें, आप परचेज़ करें कोई भी प्लॉट या घर या कोई भी कमर्शियल प्रॉपर्टी जिसका बहुत ज़्यादा आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसमें सिर्फ गवर्नमेंट को आपको अप टू 7% तक टैक्स देना पड़ेगा ट्रांसफ़र फीस और दूसरे जो चार्जेस हैं बैरियर के वो इसके अलावा हैं। यानी अगर आप 5 मरले का प्लॉट लें तो उसकी सिर्फ ट्रांसफ़र में आपको तकरीबन 6 लाख रुपए देना पड़ता है। तो इसलिए ये एक बहुत अच्छी डील है, इसमें बहुत अच्छी लोकेशन है, इसमें ना आपको कोई ट्रांसफ़र फीस देनी पड़ेगी, ना किसी एजेंट को कुछ देना पड़ेगा, ना आपको कोई टैक्स देना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं आपको एंड में बताऊंगा कि इसमें कौन सी ऐसी ख़ास बात है जो कि बैरियर टाउन के किसी दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं है, वो ये है कि आप बैरियर टाउन सेक्टर एच में ग्राउंड प्लस 2 स्टोरीज बना सकते हैं। जी हाँ, ये 2 स्टोरीज वाली स्टोरी जो है वो किसी भी दूसरे बैरियर टाउन के प्रोजेक्ट में नहीं है। और दूसरा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सेक्टर एच में आप ग्राउंड प्लस 2 स्टोरीज का घर बना सकते हैं। और अगर आप मेरा मशवरा माने, क्योंकि बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जाए, तो ये वो जगह है जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि इफ़ यू हैव मनी, इफ़ यू कैन अफोर्ड, यू कैन बाय एनी कैटेगरी अकॉर्डिंग टू योर बजट इन दिस न्यू सेक्टर एच प्रोजेक्ट। इसमें यह है कि आपको शुरू में ना ट्रांसफ़र फीस देनी पड़ेगी, ना आपको किसी किस्म की टैक्स देने पड़ेंगे। ओपन फाइल्स हैं, शुरू में आपको 50% देने पड़ेंगे, रिमेनिंग 50% आपको 6 महीने बाद देने पड़ेंगे। और इसमें आपका मैप भी है, इसमें ऑन ग्राउंड लोकेशन भी है, 2 ब्लॉक्स हैं, हाली ब्लॉक है और इसमें गालिब ब्लॉक है। तो आप जिससे भी लें, इस पर थोड़ा बहुत शायद आपको ओन भी देना पड़े, लेकिन अगेन आप किसी भी अच्छी लोकेशन की इन्वेस्टमेंट इस न्यू प्रोजेक्ट में कर सकते हैं। ये थी बैरियर टाउन सेक्टर एच की अपडेट। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें और चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इस तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।